कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल बाजार में, लोकल मार्केट में किस तरह से उत्तर प्रदेश में कारोबार देखा जा रहा है, टैंकर में क्या रेट बाजारों में चल रहा है, बजट से पहले किस तरह की कीमतें आज बाजारों में आप देख सकते हैं, किस तरह का कारोबार देख सकते हैं, विस्तार से बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजार में बजट से पहले काफी गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है, और बजट 1 फरवरी को आने वाला है। और लेकिन अगर अभी के बारे में बात करते हैं तो चाइना का बाजार भी बंद है, 29 तारीख तक चाइना के बाजार में छुट्टियां रहेंगी लूनर न्यू ईयर की वजह से। 22 तारीख छुट्टियां हुई थी तो जो कि 29 तारीख को खत्म होंगी। तो चाइना के बाजार से बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, और खासतौर से विदेशी बाजारों का भी असर है। विदेशी बाजार में भयंकर गिरावट है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार पर आप गिरावट देखकर चल सकते हैं। और उसी को देखते हुए आज लोकल मार्केट में 15 इंडेक्स में आज 10 से 15 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 15 लीटर में वनस्पति में जो रेट चल रहा है 1285 चल रही है। पामोलिन 15 लीटर का रेट 1365 है। 1 लीटर कीमतें 92 रुपए देखी जा रही है। सोया ऑयल में 15 लीटर का रेट 1815 है। 1 लीटर सोया ऑयल कीमतें 120 रुपए 50 पैसे देखी जा रही है। 15 लीटर में फॉर्च्यून का रेट। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 2025 है। 1 लीटर कीमतें 138 चल रही है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन की कीमत 1 लीटर में 123 है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 93 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड का रेट 96 रुपए है। सोया ऑयल कीमतें उत्तर प्रदेश में 121 चल रही है। सोया डीओ का रेट 119 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड की कीमतें 127 है। एक्सप्रेस का रेट बाजारों में 125 चल रहा है। पामोलिन कीमतें 93 रुपए देखी जा रही हैं। तो विदेशी बाजार में जबरदस्त भयंकर गिरावट है, जिसकी वजह से घरेलू बाजारों पर भी गिरावट देखी जा रही है। बजट से पहले यही माहौल रहने वाला है खाद्य तेल बाजारों का। बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी 1 फरवरी को जब बजट आएगा, तो किस तरह से बाजारों में नियम आते हैं और किस तरह से कारोबार आने वाले समय में घरेलू बाजारों में देखा जाता है, क्या बजट रहता है, तो उसी के हिसाब से ही आपको आने वाले समय में कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।